हमें रोज ऐसे मैसेज आना शुरू हो चुके हैं कि सर अभी अभी तो कॉलेज के अंदर एडमिशन हुआ है और मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन आ गई है, तो हम प्रिपरेशन सर कैसे करें, आप थोड़ा हमें गाइड करें। देखो बेटा, आज के सेशन में मैं आपको मिड सेम के बारे में तो सब कुछ बताने ही वाला हूँ, लेकिन मिड सेमेस्टर एग्जाम आपकी इंपॉर्टेंट होती है वो भी बताने वाला हूँ। तो वीडियो एंड तक देखना, चैनल पे नए तो जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि आपको आने वाली इंजीनियरिंग की जर्नी में ये चैनल बहुत यूजफुल होने वाली है। सबसे पहले बेटा, तो आप आपके दिल से एक डर निकाल दीजिए कि मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन आ रही है, मेरा बहुत सारा पढ़ना बाकी है, मैं कैसे करूंगा, मैं मिड सेम में फेल हो जाऊंगा, ये सोच ही सबसे पहले एग्जाम में आपको फेल करवाती है। आप जैसा यहाँ पे सोचते हैं वैसा ही आप रियल लाइफ में बन जाते हो। ये एक रूल है, इस रूल को आप मानो के ना मानो, हर एक पृथ्वी के इंसान के साथ ये रूल फॉलो होता है। तो आपके दिमाग में से आज तो पहले ये चीज निकाल दीजिए कि आपसे नहीं होगा, टाइम बहुत कम बचा है, मेरा इतना बाकी है, भाई सबको सब पता है। अगर आप ऐसा सोचोगे कि मेरे पास एक दिन है तो आपको थोड़ा कम टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप ऐसा सोचोगे कि मेरे पास 24 आवर्स है तो आपको पता चलेगा कि भाई अभी तो बहुत टाइम है। और यहां से एक चीज सीखनी है, मुझे मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट जब मुझे मैसेज करते हैं तो उसके 2 दिन बाद हमारा कोर्स बाय करते हैं, मतलब उन्होंने 2 दिन तो बस यही सोचने में वेस्ट कर दिया कि मैं कोर्स बाय करूं कि ना करूं, पढ़ाई करूं कि ना करूं। ऑलरेडी 10 दिन बाकी बचे हैं, 2 दिन गए मतलब 8 दिन बाकी बचे। तो आपका डिसीजन फटाफट से लोगे तो ही इंजीनियरिंग में आपका काम बनेगा, वरना आपका काम ऑलवेज अटकेगा। मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में कभी भी आईएमपी चीजें नहीं करनी चाहिए, पूरा चैप्टर करना चाहिए, क्योंकि 30 मार्क का वेटेज है। कॉलेज जो एग्जाम निकालती है वो 2 या 3 चैप्टर की होती है, 3 चैप्टर के अंदर काउंट करोगे 20 से 25 सवाल हो गए, उतने सवाल आप करके जाओगे तो पेपर आएगा 30 में से 25 आप अगर आपके मार्क्स आए मिड सेम में तो एक अच्छा रिजल्ट आपका जरूर बनेगा, 8+ SPA है तो आप मिनिमम निकल जाओगे। तो मिड सेम का इंपॉर्टेंट बहुत है। देखो हमने एक वीडियो की सीरीज भी बनाई है, जैसे कि सबसे पहले इंजीनियरिंग में पेपर कैसे लिखे इसको आपको फॉलो करना है मिड सेमेस्टर में, ये वीडियो खास देख लेना, 2 ही दिन पहले हमने अपलोड किया है। उसके बाद दूसरा एक मोस्ट आईएमपी है ये रहा, मिड सेम में पासिंग मार्क्स कैसे होते हैं और क्या है उसके बेनिफिट, है ना, इसमें बेनिफिट्स बताए। मिड सेम का बेनिफिट बहुत रहता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिड सेम के बेनिफिट ही पता नहीं है, तो उनको पता ही नहीं होता कि कैसे मिड सेम की पढ़ाई करें, और मिड सेम में कम मार्क आने की वजह से कभी वो 8+ SPA तक निकल ही नहीं पाते, लेकिन मिड सेम में मार्क लाना बहुत आसान होता है। अब दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई मिड सेम की अगर प्रिपरेशन आपको करनी है तो कहां से कर सकते हो, चाहे तो आप बुक से कर सकते हो, मार्केट में से बुक लाओ, लेकिन कोई कोई में नए सिलेबस से बुक अवेलेबल नहीं है, चाहे तो आप खुद से कर सकते हो, यूट्यूब से फ्री में कर सकते हो, कॉलेज से कर सकते हो, सब कुछ अवेलेबल, लेकिन कहीं से नहीं हो रही है तो अपने प्लेटफॉर्म पे सारे कोर्सेज अवेलेबल है, वहां से भी कर सकते हो, आराम से आप कर सकते हो। हमारे सारे टीचर्स आपको आपकी मिड सेम की जर्नी में बहुत हेल्पफुल करेंगे, और कोर्स की प्राइस 500 से लेकर 550 बहुत नॉमिनल प्राइस रहती है, जिसमें अगर आपको कॉम्बो बाई करना होता है 3 या ज्यादा सब्जेक्ट तो डिस्काउंट भी मिलता है। हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप हमें मैसेज करोगे तो हमारी टीम गाइड करेगी, 550 के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें 50 रुपीज डिस्काउंट मिलता है, 500 में आपको कोर्स मिलता है। तो आप थोड़ी मेहनत करना चाह रहे हो तो श्योर हमारी टीम भी आपको सपोर्ट करेगी, लेकिन ऐसा बैठ जाओगे कि भाई मिर्जम और रही है यू करूँ, अरे भाई वाँचवू तो पढ़ से ने, चल हूँ तो गुजराती मीडियम नो विद्यार्थी छू, मैंने तो बधु इंग्लिश में आवे छे, तो ये तो बधन खबर हती, जब वैकेशन पढ़ा था तब से हम तो बोल रहे हैं बेटा तू थोड़ा पढ़ाई कर, तेरा इंग्लिश में आएगा, तेरा इंग्लिश में आएगा, है ना, सब हमको पता होता है, लेकिन उस टाइम पे हम उसमें सीरियस नहीं होते हैं, जब पानी निकल जाता है सर से फिर हम सीरियस होते हैं और फिर रास्ते निकालते हैं कम टाइम में कैसे करें, और वो रास्ते हमें ले जाते हैं शॉर्टकट की ओर, हम चीट बनाते हैं, कापली बनाते हैं, मोबाइल लेके जाते हैं, बुक लेके जाते हैं, और फिर वहां पे पकड़े जाते हैं और फिर गलत कदम उठा लेते हैं। तो यहीं से ये सारी चीजों की शुरुआत होती है। तो अभी भी आपके पास बहुत सारा टाइम बचा है, आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो मैं आपको श्योर बोलूंगा कि एक अच्छे रिजल्ट तक आप पहुंच जाओगे, है ना। जो भी स्टूडेंट्स कोर्स बाय करे हुए उन लोगों ने अगर कभी भी हमें मैसेज किया सर इतना मिड सेम में है हमें थोड़ा गाइड कर दीजिए, हमारी टीम ऑलवेज गाइड करती है, तो है ना ये आपको सपोर्ट मिलता है। तो आप कहीं से भी पढ़ो वो इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन मिड सेम में एक अच्छे नंबर तक जाओगे तब जाके फर्स्ट सेम की जर्नी में 8+ SPI पे निकलोगे, वरना मिड सेम में अगर कम मार्क आए तो अच्छे से नहीं निकलोगे और बैठे रहोगे मेरा तो एडमिशन अब हुआ है मेरा आगे का क्या क्या, ये सोचो मत, कोई सॉल्यूशन नहीं हो, जब एक ही सॉल्यूशन हो पढ़ाई और मिड सेम देनी है तो उसको ही फोकस करो, 3-3 घंटे 4-4 घंटे की नींद लो, काम होगा क्यों नहीं होगा, है ना। मेहनत करनी है कितने दिन करनी है, 15-20 दिन, उसके बाद तो फिर अपने टाइम टेबल बना के अच्छे से प्रिपरेशन करने ही वाले हैं, लेकिन जो टाइम कम बचा है उसमें थोड़ा कम सो लेंगे, थोड़ा ज्यादा पढ़ाई कर लेंगे, फालतू फालतू गप्पे बंद कर देंगे, मीटिंग्स बंद कर देंगे, मोबाइल कम यूज करेंगे, सोशल मीडिया कम यूज करेंगे, लेकिन पढ़ाई करेंगे। तो अगर आप आज से अच्छे से पढ़ाई करने वाले हो, आपकी मिड सेम आ रही है, तो कमेंट करके जाओ ये सर मैं आलतू फालतू टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। 21 डे चैलेंज के अंदर भी 50% से ज्यादा स्टूडेंट्स आउट हो चुके हैं, सर मैंने ये कर लिया मैंने ये, मतलब 21
डेसली हम हमारे माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाए यहाँ पे। तो ये बेटा आपको जीवन में सीखना है, इसीलिए तो मैं बोलता हूँ 5,000 लोग में से 5 लोगों को ही अच्छी जॉब मिलती है, बाकी का क्या होता है किसी को नहीं पता होता। तो बेटा वो 5 लोगों में आना बहुत मुश्किल है ना, लेकिन जब एक बार सक्सेसफुल बन जाओगे ना, फिर आप भी आराम की जिंदगी जी पाओगे। अभी आराम करने का टाइम नहीं है, अभी मेहनत करने का टाइम है। आपकी माता ने आपको 9 महीने उनके पेट में आपको आराम करने के लिए बाहर नहीं लाए थे ना, उन्होंने भी बहुत मेहनत की है, तो उनको उनके सपने पूरे करने, आपके पेरेंट्स के पापा के सपने पूरे करने के लिए आपने इंजीनियरिंग लिया है, तो वो मेहनत आपको करनी है। हम क्या कर रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, वेब सीरीज देख रहे हैं, ये अपना टाइम नहीं है बेटा। गप्पे लड़ा रही है, बाहर चाय की किटली पे बैठे रहे हैं, ये बेटा टाइम अभी नहीं है, मेहनत करने का टाइम है। जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतनी ही ज्यादा आपकी सैलरी होने वाली है। तो कमेंट करके जाना, ये वीडियो आपके सभी फ्रेंड्स में शेयर करते जाना, ये दोनों वीडियोस देख लेना, तो थोड़ा बहुत आपको भी मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे से पढ़ाई करोगे। कोई भी डाउट आता है तो कमेंट जरूर करना, हमारी टीम आपको श्योर हेल्प करेगी। मिलते हैं ऐसे कोई नई अपडेट के साथ, चल जाए, बाय, टेक केयर।